कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार में, खास तौर से सरसों सीड के बाजार के बारे में। आज जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में, सरसों सीड में क्या कीमतें चल रही हैं, किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड मार्केट में आज आप देख सकते हैं, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ आप खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो सरसों सीड के बाजार के बारे में बात करते हैं। आज 50 रुपए तक की गिरावट के साथ आज बाजारों में कारोबार दर्ज करा गया है। सरसों सीड में हल्की सी नरमी को देखते हुए कारोबार देखा जा रहा है। 5600 से लेकर 5625 के बीच का रेट जयपुर में अभी भी चल रहा है। दिल्ली कीमतें 5350 से हिसार का रेट 5000 देखा जा रहा है। बरवाला कीमतें 4650 से लेकर 5200 के बीच चल रही है। इसके अलावा प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं तो प्लांटों में सलोनी कोटा का रेट 5925 है, जिसमें 25 रुपए तक की गिरावट आई है। सलोनी डिग्नेट का रेट 6050 है, जिसमें भी 25 रुपए तक घटे हैं। इसके अलावा सलोनी अलवर कीमतें बाजारों में 5975 चल रही है, जिसमें 25 रुपए तक की गिरावट के साथ मार्केट में कारोबार हो रहा है। व्यापारियों के अनुसार विदेशी बाजार में खाद्य तेलों के दाम काफी घटे हैं, इसीलिए घरेलू बाजार में सरसों और इसके तेल में हल्की नरमी और भी देखी जा सकती है। घरेलू बाजार में सरसों तेल के दाम में 5 रुपए तक की बढ़त के साथ कारोबार हुआ है, जबकि कल के दाम फिलहाल के लिए आपको स्थिर देखने को मिल सकते हैं। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।